हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डू इट योरसेल्फ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो है वेजिटेबल सलाद, तुर्की सलाद भी कह सकते हैं आप, चिकन सलाद, चिकन वेज सलाद भी कह सकते हैं। इसमें मैंने चिकन तंदूर के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट अच्छा आता है। आप देखें, इसे बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा है, और ये आपके इम्यून को बूस्ट करता है, और ये आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। देखें, आप लंच और डिनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखें, आप सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी लिया है, यानी कि कैबेज, रेड कैबेज है ये। आपके पास कोई भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सिर्फ हाफ लेमन ऐड कर लूँगी और इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हाफ लेमन आप इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि कैबेज में जो है ना, इसका मज़ा बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखें, आप इस तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे ढककर रख दें, और आपके पास जो भी कैबेज अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रेड अवेलेबल थी, तो मैं सीज़न के हिसाब से जो आती है वो मैं यूज़ करती हूँ। देखें, आप ये बहुत 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 टेस्टी होती है, और ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है आपके लिए। आप इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे किडनी के इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर दिया। वेजिटेबल अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम देखेंगे कि चिकन को हम किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, आप मैंने चिकन में मिर्च और हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट और थोड़ा सा दही लगा लिया है, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया। उसके बाद अब हम इसे फ्राई पैन के ऊपर किस तरीके से तंदूर की तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये देखें आप, मैंने फ्राई पैन पर थोड़ा सा तेल डाल लिया है, और उसके बाद इसमें से मैंने 2 चिकन के पीसेस इसके ऊपर रख दिया। 5 मिनट तक एक ही साइड पकने दें, पलटाएं मत, इसी तरीके से रखें। आप देखें, आप ये मैं इस तरीके से रख रही हूँ, अब इसी तरीके से रखें। अब आपको मैं बताती हूँ, 5 मिनट बाद इसे मैं पलट दूँगी। ये देखें, अब आप देखिए तंदूर मज़ा आएगा इसके अंदर। तंदूरी जैसे चिकन होती है ना, उसी तरीके से मज़ा आएगा इसका। अब फिर दूसरी साइड भी इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लें, उसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब देखें आप, ये मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, ये देख सकते हैं आप कि मैंने कैरेट लिया है, कद्दूकश कर लिया है सारों को, ये मूली है, ये ऑलिव है, और ये अनियन है, कैप्सिकम है, स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न को मैंने उबाल लिया है, और लेमन जूस लिया है। सारे जितने जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है इसमें जो वेजिटेबल है आपके पास वो हो। अभी आप देखें, ये मैंने चीनी लिया है, और ये कलौंजी, सॉल्ट, और ये काली मिर्च। शुगर का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा करें, ये बहुत टेस्टी होता है। ज़्यादा नहीं, बस 1/2 टीस्पून या फिर 1 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जो सलाद का टेस्ट है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये देखें आप, ये हमने पत्ता गोभी को, जो कैबेज को हमने लेमन में रखा था, वही कैबेज है। अब इसके अंदर हम सारे वेजिटेबल्स हमारे शामिल कर लेंगे, और ये हमारा देखिए, अब चीनी, नमक और कलौंजी, काली मिर्च है, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसी के अंदर मैं वेजिटेबल्स भी ऐड कर लूँगी। ये देखें, मैंने वेजिटेबल्स भी सारे इसी में ऐड कर लिए, और लेमन जूस भी ऐड कर लिया। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप इसमें हाथ का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी काली मिर्च, नमक और कलौंजी, चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, और बहुत बहुत टेस्टी होगा। आप इसे एक बार ट्राई करें, और आप देखें अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हमारा चिकन ऐड कर लेंगे। ये मैंने जो चिकन तंदूर करा था, इस चिकन को ले लें, इसमें से आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। आप चाहे तो चिकन स्किप भी कर सकते हैं, चिकन की जगह आप फिश भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास चिकन अवेलेबल था तो मैं चिकन डाल रही हूँ। आपके पास फिश है तो फिश भी डाल सकते हैं। ये देखें आप, इस तरीके से आप पूरी चिकन इसके अंदर डाल लें, चाहे तो आप स्किप करें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये आप देखें, मैंने सारा चिकन इसमें ऐड कर लिया, अब ये हो जाएगा मिक्स। ये देखें आप,
ये बहुत टेस्टी, बहुत 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 यम्मी रहेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसका रिव्यू दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करें और इसका रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू।